ठोकर लगी। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कराए शिव तत्व कह रहा। बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कह रही है। किसी मंच पर किसी स्थान पर आपका नाम आए ना आए चलेगा, पर किसी धर्म की जगह हो जहां पर भगवान का दक्ष प्रजापति के यहाँ जो यज्ञ की तैयारी चल रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ अनुष्ठान की तैयारी चल रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है उसकी मीटिंग रखी गई, दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है उसकी एक सभा रखी गई, राजनीतिक मंच पर तुम्हारा नाम ना आए आप रुष्ट होइए मना नहीं, सामाजिक मंच पर आपका नाम ना आए आप रुष्ट होइए मना नहीं। पर महापुराण की कथा कहती है पर कहीं धार्मिक अगर मंच है और कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं अनुष्ठान हो रहा है, कहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कहीं भगवान का भजन हो रहा है, कहीं शिवपुराण कहीं भागवत कहीं रामायण कहीं कथा चल रही है, और उस मंच से मान लो भूलवश आपका नाम नहीं आया ना, तो भगवान से प्रार्थना करना अच्छा हुआ तुमने मेरा नाम नहीं आने दिया, क्योंकि मेरे नाम की लिस्ट तेरे नाम में जुड़ी हुई है तेरे पास। और तेरी कृपा बिना न ले एक भी अमोल, लेते हैं सांस तेरी कृपा से जनों तनों, बखान क्या करूं मैं रातों के देर जब दीप रोज ले हजाना कुबेर का, हे रंग द्वार मुक्ति द्वार ओम कर तू बाबा ओम कर तू, आयो शरण तिहारि शंभु तारि हर तू, बखान क्या करूं मैं रातों के देर का जब दीप रोज ले हजाना कुबेर का, हे रंग द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू होने ओंकार तू, आयो शरण तिहारि शंभु तारि हर तू, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अनुरोध, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो, गंगेधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारि शंभु तारि हर तू। शिव कृपा कर, भगवान शंकर की करुणा कर, भगवान शंकर की कथा कर, शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत, भगवान शंकर की अविरल कथा के अंतर्गत, भगवान की भक्ति के अंतर्गत आपको कोई देखे ना देखे, किसी मंदिर के अंतर्गत आपको कोई देखे ना देखे, पर इतना ध्यान रखिए मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, उसकी डायरी में आपका नाम लिखा हुआ है। हम आपको देखे ना देखे, आप हमको देखे ना देखे, पर उसकी जो डायरी है, उसकी जो किताब है, उसमें आपका नाम है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है। और कहीं पर भी बैठ कर कथा करस्थान करो, कहीं पर भी तुम्हारी जहां मर्जी पड़ जाए वहां बैठ जाओ, हम दिखे ना दिखे पर तुम्हारे कानों में ये शिवपुराण जाना चाहिए, तुम्हारे कानों में ये शब्द पहुंचना चाहिए। दो चीजें कभी मत छोड़ो, अगर मंदिर में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो, कथा में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो, एक कथा श्रवण करना, दूसरा जहां कथा बैठ कर सुनते हैं वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाना। कथा सुनने के बाद अपने यहां से जाओ, भले दरी बिछी है, आसन बिछा है, कारपेट बिछा है, उस पर अपना हाथ फेर कर उस रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, क्योंकि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, कूर्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, कलिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, जितनी भी पुराण हैं सब पुराणों में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। जब हम उठकर जाएं उस भूमि को हम नमन करकर उसकी रज कैलाशी या अविनाशी, रज में आप लोग तो मोबाइल चलाते हैं, आप तो मोबाइल चलाते हैं, तो आप लोग का मोबाइल में आपके पास में कोई ना कोई वीडियो भेज ही देता होगा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, कई लोग ऐसा भेज देते हैं, कई लोग वीडियो भेज देते हैं कि शंकर पर चढ़ी हुई कोई सामग्री नहीं खाना चाहिए, इस पे तो चंड का हक होता है, कोई सामान ना खा। एक बात हम आपसे पूछेंगे, शंकर भगवान
इतनी क्रोध की माताओं से पूछ रहा हूं, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी अपने मन पर हाथ रखकर बोलना, शंकर भगवान से तुम्हारा रिश्ता कौन सा, शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता, शंकर भगवान को आप क्या मानते हो? हमने आपको एक संबंध बताया था कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, तो हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरुत की बहनें भी देंगी और मेरे जीजाजी भी देंगे और मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे। आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा तो क्या वो अपने बाप से नहीं कहेगी? बोलो तो जमके। बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी, बेटे को तकलीफ है तो अपने पिता से अपनी मां से नहीं कहेगा, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, पापा मुझे ये दुख है, माँ मुझे ये तकलीफ है, पिताजी मुझे ये कष्ट है, क्या वो अपने माँ बाप से नहीं करेंगे? क्या वो अपने माँ बाप से विनय नहीं करेंगे? और माँ पिता फिर उसके करीब में उसके नजदीक में जो भी होता है वो माँ बाप निकाल कर उसको दे देते हैं, माता पिता उसको दे देते हैं, माता पिता उसको प्रदान कर देते हैं, माँ बाप उसको दे देते हैं। जरा विचार करिएगा, लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। कोई इस बहन से पूछे, सुनीता सोनी से, कि शंकर पर चढ़े हुए जल से जो डबल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप्त हो गई, तो जरा विश्वास करिएगा कि एक बेटी अपने माँ बाप से ही तो कहेगी, और बाप के पास में जो होगा वही तो अपनी बेटी को देगा दुख को मिटाने के लिए। तो मेरे शंकर भगवान के पास तो उसका चढ़ा हुआ जल है, मेरे देवाधिदेव महादेव के पास उसका चढ़ा हुआ जल है, उसका चढ़ा हुआ बेलपत्र है जो वो दे रहा है, मेरे शंकर के पास में और कुछ नहीं। अड़भंगा बैठा है अलमस्त होकर, दुनिया के लोग कहेंगे कि शिव पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ ये मत पाओ। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर दिल रखकर अपने बाबा से कहोगे ना, तो बाबा पर चढ़ा हुआ जो जल है ना वो जल साधारण नहीं रहता। मेरा भोलेनाथ जब दुनिया को अमृत देता है तो तुमको भी अमृत दे देता है, दुनिया को अमृत। और भगवान यदि आपको धन दे, थोड़ा सा भी पैसा अगर आपको जाकर दिया हो, तो इन शुभ भक्तों के लिए कहीं बिस्कुट, कहीं कुछ कुछ पानी की व्यवस्था, कहीं शरबत की व्यवस्था, कहीं ठंडाई की व्यवस्था, ये करना हमारा कर्तव्य है। और लिखकर रखो एक डायरी में, हमारे कथा में बोलते हैं लिखकर रखना कि मैंने 5 रुपए का पानी का पाउच शिव महापुराण में आए हुए शंकर के भक्तों को पिलाया है, और 3 महीने बाद, 3 महीने भी दूर की बात है, 7 दिन के बाद अमलेश्वर में तुमसे फिर मिलने वाले हैं, वहां बताना कि मेरे महादेव ने 7 दिन में पूरा करा कि नहीं करा, कहीं दूर नहीं जा रहे। ये कथा 22 तारीख को पूरी हो जाएगी, 27 तारीख अमलेश्वर में प्रारंभ हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक वहां चालू हो जाएगी। उस कथा में आप अपना पत्र लिखकर भेजना, और यहाँ जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं इनसे निवेदन करूंगा, बाबा से कहना बाबा आप 3 महीने में पूरा करते हो, पर हम 3 महीने का इंतजार नहीं करेंगे, 22 तारीख को कथा पूरी होगी, 27 को हम कथा में पहुंचेंगे, उससे पहले पत्र हमारा व्यासपीठ तक पहुंचना चाहिए, कितनी कृपा से पहुंचे, तो दूसरा नहीं होता है, धन किसके पास नहीं होता, संपदा किसके पास नहीं। मेरा भोले बाबा, मेरा शंभुनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा वो घरदानी धन सबको दे देता है, पर अच्छी बुद्धि नहीं दे पाता, बुद्धि नहीं दे। अच्छी बुद्धि नहीं मिल पाई। और आज अगर आपकी बुद्धि अच्छी है ना, आप महापुराण की कथा में बैठे हो ना, तो बड़े प्रसन्न होना कि मेरे भोले बाबा ने मुझे भले मोटरसाइकिल दी, पर उस मोटरसाइकिल पर कम से कम मेरी मोटरसाइकिल आज सही जगह पर जा रही है और कथा श्रवण करने के लिए जा रही है। ये शिव उदार था, ये शंकर की करुणा है, ये उसकी दया। आप शिव को देखें ना, हम शिव को देखें ना, आपको कोई नजर आए ना आए, पर इतना याद रखना कि मेरा शंभू आपको देख। आ जाओ, आ जाओ। में पहुंचे, कौन ने हमको देखा, कौन ने नहीं देखा, मेरा नाम आया कि नहीं आया, कौन ने क्या करा ना, हमारा वो घरदानी हमको देख ले, बस उससे बढ़कर कोई सुख नहीं, वो हमको देख ले। एक रिश्ता परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते रहे, शंकर वो घरदानी मेरे पिता कौन है आपके, जमते बोलो जरा, पिता। कहने वाले कहेंगे, बोलने वाले बोलेंगे, कहने वाले कहेंगे, वो तो दुनिया की रीति, अब शब्द कहने वाले कहते रहेंगे,
दुनिया के लोग अब शब्द कहेंगे क्यों जलती रहे शिव जी पे चढ़ा हुआ, क्यों बेलपत्र खा रहे, कहेंगे इस पे चढ़ा हुआ चंड का हक है। बहुत सारे ज्ञान देने वाले आएंगे कि इस पे चढ़ा हुआ चंड का हक है। कोई गलत चीज तो नहीं खा रहा ना वो, कोई गलत चीज तो नहीं पी रहा ना वो, पी तो केवल शंकर का चढ़ा हुआ जल ही रहा है ना, खा तो केवल बेलपत्र ही रहा है, मना तो केवल शिव को ही रहा है ना, भाव से पहुंच तो शंकर के पास रहा है। कहें दुनिया के लोग कहें कहता रहे। आज एक बात आप लोगों से कहें, हम जिस घर में पले बड़े हुए उस घर में पैसा नहीं था, ऐसा नहीं, पर एक बात जरूर कहना चाहेंगे, कसम से पैसा कम था लेकिन, कसम से पैसा कम था लेकिन मेरे माता पिता के संस्कारों में दम था, इसलिए आज यहां विराजमान। पैसा भले कम हो, और आपसे भी कहेंगे धन भले कम हो चलेगा, बंगला नहीं हो चलेगा, बड़ी गाड़ी ना हो चलेगा, पर इतना याद रखना अपने संस्कारों में कमी नहीं आना चाहिए। दिल से उसको पुकारोगे, दिल से कहोगे पिता मान कर उसकी आराधना करोगे तो वो पिता निभाता जाएगा, पिता के तुल्य निभाएगा। बाप अपनी बेटी का दर्द नहीं देख सकते, माँ अपने बेटे का दर्द नहीं देख सकते, माता पिता अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते। जब माता पिता अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते तो देव अधिदेव महादेव तुम्हारा दर्द कैसे देखेंगे, वो भी तो काटेंगे तुमको, वो भी तो कष्ट मिटाएंगे। दो चीजें कथा में जाकर लो, एक जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनो, धूप लगे पंडालों की इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, पंडाल लगाने वाले टेंट लगाने वाले टेंट लगा लगा के थक जाते हैं तो अपने साथ एक छाता लेकर चलो, दो पानी की जम के बोलेगा बोतल, बिछाने की दरी अपने साथ लेकर चलो। टेंट लगाने वाले बहुत सारा टेंट नहीं लगा पाते क्योंकि व्यवस्था कितनी करे, कितना टेंट लगाए कितना पंडाल बनाए, भक्तों की कोई कैपेसिटी होती है, भक्तों का कोई बल होता कितना आएगा कितना भक्त पहुंचेगा किसको मालूम है, किसको मालूम, किसी को अंदाजा नहीं है कि कितना पहुंचेगा अपने साथ। और दो चीजें मंदिर में जाओ तो दो चीजें लेकर अवश्य आओ, और शिव पुराण में जाओ तो दो चीजें लेकर अवश्य जाओ, पहले नंबर पर शंकर की कथा और अपने अंदर विश्वास कि मेरे महादेव की मैंने कथा सुनी है, अब मैं भटकूंगी नहीं, सारी दुनिया में मैंने ठोकर खा ली, अब कहीं ठोकर नहीं खाऊंगी, अब तो दरवाजे पर महादेव के जाऊंगी, बाकी की कथा। दूसरा, कथा में बैठी हूं बाबा के रज को, ये रज नहीं है ये धूल नहीं है, ये मेरे बाबा के कैलाश 12 ज्योतिर्लिंग का चंदन है, इसको मस्तक चढ़ाऊंगी अपने हृदय से। शिव कथा में जाओ तो भगवान शंकर की कथा में ये दो चीजें, दूसरा शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर, एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल अपने लेकर अवश्य लाते हो आप लोग, हाथ उठाओ जरा रख लो, बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको सभी को नमन, दो बूंद जल लेकर आओ पदला, नहीं पियो तो उस जल को अपने घर में छींच दो, नहीं पी सकते उस जल को छींच दो, सारे घर के लोग नहीं पी रहे उस जल को मटके में डाल दो, हंडे में डाल दो, दो बूंद जल हंडे में डाला सब पी गए, आपको अलग अलग किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को हंडे में डाल दो मटके में डाल दो सब उस पानी को पीना प्रारंभ। भरे होंगे जीव कोई उनके लिए मेरा महादेव कुबेर भंडारी सीहोर से चलकर यहां पहुंचा, कहीं शिव कृपा करुणा। एक बार माता उमा ने भगवान महेश से एक प्रश्न किया, शंकर भगवान का एक रूप था भगवान महेश और माता उमा के साथ उनका जो हम उमा महेश भगवान की जय बोलते हैं उसका स्मरण उसमें किया। एक बार माता उमा ने भगवान महेश से कृष्ण किया और भगवान महेश से कृष्ण कर कहा कि देवदेव महादेव मेरे मन का एक छोटा सा संशय आप समाप्त कर दीजिए, मेरा छोटा सा संशय आप उसको मिटा दीजिए। भगवान महेश ने भगवान शंकर ने उमा से कहा पूछो तुम्हारा संशय क्या है, तुम्हारे भीतर का संशय बताओ संशय है क्या। उमा ने कहा
मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य अपने कर्म का भोग भोगता है। देवदत्त महादेव, अपने कर्म का भोग संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य भोगता है। पर मान लो, उमा कह रही है भगवान महेश से, मान उसकी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है, उसके भाग्य में अच्छा लिखा ही नहीं है, उसके भाग्य में सुख है ही नहीं, उसको पूरी जिंदगी अपशब्द ही मिलना, उसको पूरी जिंदगी आड़ा पेड़ा ही मिलना, उसको पूरी जिंदगी दुख ही, उसको पूरी जिंदगी दुख ही दुख मिलना। मान लो उसकी किस्मत में तकलीफ ही तकलीफ लिखी है, दुख ही दुख लिखा है, कष्ट ही कष्ट लिखा है, और मानव देह उसको मिली है, तो वो जीव क्या करे? ये माता उमा महेश भगवान से करी, भगवान शिव से। आप लोगों ने उमा महेश की कथा अपने जीवन में धारण करी कि नहीं करी, वो हमको नहीं स्मरण है, पर एक बात का स्मरण करिएगा, ये जो कथा चल रही है ये गौरी शंकर चल रही है, इसके बाद में जो अमलेश्वर में कथा है वो कौन सी है? समर्पण शुमापुराण कथा। उस समर्पण शुमापुराण की कथा जब 2 तारीख को विराम हो जाएगी, तब उसके बाद में जो कथा 6 जून को प्रारंभ होगी सोलापुर महाराष्ट्र में, उस कथा का नाम रहेगा उमा महेश शुमापुराण की कथा, उसको जरूर सुनो। सोलापुर में जो 6 जून से कथा होगी उसका नाम उमा महेश शुमापुराण, उसको सुनना, श्रवण करना, उसको धारण करना है। उसमें इतने प्रश्न माता उमा ने भगवान महेश से करे हैं, और महेश भगवान शंकर उसका हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है, भगवान महेश भगवान शंकर हर प्रश्न का। बाबा भोलेनाथ जी से कहा माता उमा ने, भगवान शिव जी से, महेश भगवान से, भगवान शंकर से करेंगे, बाबा भोलेनाथ जी बताओ, संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में उसके उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में कोई अच्छा है ही नहीं, तो वो जीव क्या करेगा? वो जीव क्या करेगा? भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर उसके भाग्य में सुख नहीं है, उसके भाग्य में अगर खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में अगर अच्छा नहीं है, पत्रिका भी खाली सुख नहीं है, कार्य कर देख लिया सुख नहीं है, तकलीफ उसकी जिंदगी में चल ही चल रही है, तो भगवान शंकर कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, उमा उस मनुष्य को दूसरे का अच्छा करना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो उसकी अच्छाई अपने आप सामने आना प्रारंभ। फिर वही शब्द आ गया, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान दिया बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत कर, तू अच्छा कर मत, नहीं है तेरे भाग्य में सुख, तेरे भाग्य में अच्छा नहीं दिखाए ना, तो अच्छा कर लग। आज थोड़ा सा हम कहेंगे, आप उसको कई लोग उस पर हंसेंगे भी, और कथा होने के बाद लोग उस पर ताने भी कसेंगे, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता? हम कहेंगे, और उसके बाद दुनिया के लोग वैसे भी हमको टोटका वाला महाराज कहते हैं, तो लोग तो कहने भी करेंगे, तो और ये तो हमारा प्रमोशन है कि अभी तक पंडित प्रदीप मिश्रा से टोटका आचार्य होगा, आचार्य का भी तो प्रमोशन होता है। जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस व्यास पीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य, अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए, अपने आसपास के नजदीक के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो, या छोटे वृक्ष देख लो, उन 5-6 वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को आप खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे गुआरी करना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो, उस बेलपत्री के 5-6-7 वृक्ष को आप गोद ले लो, गोद लेना मैं करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो, 6 महीना इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना, 7वां महीना आपका हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई, आगे बढ़ाया। एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से, शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी, तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा मैं नारायण से प्रेम करती हूँ, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो, तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती है, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूँ। आप शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी बस 2 चीजें कर दे, 1 सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा
प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेलवृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना, उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरता है। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो गुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं, वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ती जाए, उसके घर में वैभव बढ़ती जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे। और लुटा दिया भंडार का कर दिया काशी वाले। हम जानते हैं दुनिया के लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे सेवा करने से लक्ष्मी पड़ती है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या संभाल करने से धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। हम कहते हैं तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तुम जाओ, तो एक नियम बनाओ, तो तुम जाओ बेलपत्र की संभाल तो करो, एक नियम बनाओ। तो जब हम एक नियम बनाएंगे तो बस सुनेगा, तो धारण करेगा। तो समान शिव हमसे दूर नहीं है, शंकर हमसे दूर नहीं है, केवल उनको पाने का तरीका हमको आना चाहिए, हमें पाने का तरीका आना चाहिए। जब मरीज मुख से भोजन नहीं करता, तब डॉक्टर उसकी नाक में एक नली डाल देते हैं। बोलो 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 जरा जम के बोलो, सही है। एक एक पत्र था कल का, कल का एक पत्र था, अच्छा। मेरा नाम राजू पेठणकर है, मैं वर्धा महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ दिलाइएगा, आप ही बाबू आ जाइए एक बेलपत्र। मेरा नाम राजू पेठणकर है, मैं वर्धा महाराष्ट्र से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। सबसे पहले गुरुदेव आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी तबीयत कैसी है, बाबा की कृपा। दिनांक 8/4/2024 को मेरी दीदी का लड़का जो 12 साल का है, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। उसकी सारी रिपोर्टें मैं लगा रहा हूं। उसकी तबीयत खराब हो गई, हमने वर्धा के साहू हॉस्पिटल में उसको दिखाया, उन्होंने बच्चे को टाइफाइड का स्मरण कराया, फिर हमने उसका इलाज करके घर ले आए। उस दिन के बाद फिर से बुखार और उल्टी दस्त उसको प्रारंभ हो गए। हमने फिर से उसको हॉस्पिटल में दिखाया, एडमिट किया, दो दिन रखा। उन्होंने बताया कि लड़के का हार्ट काम ठीक नहीं कर रहा है। 12 साल का लड़का तबीयत बिगड़ने की जा रही थी, तब उसको वर्धा के फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, और हम जब वहां लेकर गए तो उसको आईसीयू में डाल दिया गया। दो दिन रखा, फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुई, तब हम उसको नागपुर ले गए। नागपुर के हॉस्पिटल में लेकर गए और कुछ जांचें करने के बाद पता चला कि बच्चे की एक लेफ्ट वाली किडनी खराब हो चुकी है, जो कि 9% भी काम नहीं कर रही है, 9% काम कर रही है, बाकी का पूरा किडनी खराब हो चुकी है। अब बाबा करें तो करें क्या, सारे घर के लोग रोने लगे। किडनी का फोटो भी आपको लगाया गया है, जो बच्चे की किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, उस बच्चे की किडनी के फोटो लगाए गए। बच्चे की किडनी ने काम करना बंद कर दिया, किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा इसकी किडनी बदलना पड़ेगी। अब हम करें तो करें क्या, सब रोने लगे। मेरी पत्नी सोनू, हमने दीदी से कहा कि हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आते हैं, आप चिंता मत करो, और लोटे में उसको गलाकर शिवजी को जल चढ़ाकर उसका जल का आचमन कराएंगे। हमने सुना है टीवी के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमने सुना, गुरुदेव आपकी कथा में कभी नहीं आए, आज हम पहली बार आए। हमने सुना है कि कथा में सुनते हैं कि रुद्राक्ष का जल कैंसर हो, किडनी हो, लीवर हो, उसमें असर करता ही करता है, इसलिए हम वहां से रुद्राक्ष लिया है, उसको हमने तांबे के कलश में गलाया। हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट था आईसीयू में, उसको वो पानी देना प्रारंभ करा। डॉक्टर कह रहे थे कि इसकी किडनी बदलना पड़ेगी। हमने हॉस्पिटल में 7 दिन रखा, 7 दिन में उसको पानी देते रहे, 8वें दिन उसकी जांच हुई और डॉक्टर खुद कहने लगे कि आश्चर्य है इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी जांचें पूरी में लगा दी। हॉस्पिटल की पूरी जांचें यहां, जितने भी हॉस्पिटल की पूरी जांचें यहां पर लगभग 30-40 पेंच की पूरी जांचें यहां लगाई गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं, बाबा को प्रार्थना करने आया। शिव तत्व है, एक शिव की आराधना, एक शंकर पर करा गया भरोसा, एक शिव पर करा गया विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप आए जरूर हो बाबा के दरवाजे पर अपने भरोसे को पक्का रखिए, अपने विश्वास को दृढ़ रखिए। जितना अपना भरोसा अपना विश्वास दृढ़ होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं, परमात्मा मिलेगा, भरोसा करिए। उर्मिने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा ढोल तो छंडी लागी लगती जावानी, भोले मेरे।
शंभो में हवा बिच उड़ती जावी बाबा डोल बाबा में शंभो में एक विश्वास अपने भीतर पैदा कर। और मेरी जीजियों आप सबसे निवेदन करूंगा जितने इस तथा के पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, छत पर बैठे हो, पेड़ों पर चढ़कर बैठे हो, तो मैं चैनल वालों से लिखेंगे दिखाओ जरा वो छत पे चढ़े बैठे हैं। जितने बैठे हो जहां बैठे हो पंडाल के बाहर पेड़ों के नीचे गाड़ियों ट्रैक्टरों के आसपास जितने बैठे हो भोले बाबा से ये विनय कर जाना प्रार्थना कर जाना बाबा कृपा करना। और मैं विश्वास के साथ बाबा से ये कर जाना बाबा मैं दिल से कथा सुन रही हूं मेरी कृपा ऐसी करना कि अभी जो 27 तारीख से कथा हो ना उसमें मेरा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे ऐसी करना जरूर ऐसी। महाराज अपने भीतर एक बात उतार लो कथा में जाओ तो दो चीजें लेकर जाना है कौन कौन सी जम के बोलो पहली कथा श्रवण करें विश्वास उत्पन्न करें कि अब मैं भटकूंगी नहीं अब मैं कहीं भटकूंगा नहीं 10 दरवाजे पर मैं नहीं जाऊंगा मैं शंकर के दरवाजे पर जब मुझे दुख आया तकलीफ आया तो मैं भोलेनाथ जी के पास मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरा जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ तो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर आओ पहला शंकर जी पे चढ़ा हुआ जम के बोलो जल अवश्य लेकर आओ क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो पात्र लेकर आते हो तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज देगा। और दूसरे नंबर पर दो चीजें मंदिर में जाओ तो लेकर जरूर आना एक शंकर पर चढ़ा हुआ जल और शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारा बदलेगा कल ये निश्चित बदलेगा जरूर ये पक्का। आप इतने लोग कथा सुन रहे हो दो तीन साल से कौन कौन कथा सुन रहा है जरा हाथ उठा जो टीवी पर कथा सुन रहे हो कहीं पर भी सुन रहे हो दो तीन साल से सुन रहे हो सब लोग रख लो रख लो। दो या तीन साल से कथा सुन रहे हो ईमानदारी से बोलना भोले बाबा ने थोड़ी ना थोड़ी तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी ये तो बताओ सुनी है ना एक बार ताली बजाकर दोनों हाथ से सुनिए थोड़ी ना थोड़ी कुछ को सुनी थोड़ी जो तीन साल पहले कथा नहीं सुने थे जब का समय निकाल लो और एक आज का समय निकाल लो मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ा जरूर है खींच कर बाहर करा जरूर थोड़ा बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल थोड़ा ना थोड़ा सुना थोड़ा। दूसरी चीज शंकर के मंदिर में जाओ तो भस्म अगर शिव के मंदिर में भस्म मिल जाए शंकर पर चढ़ी हुई भस्म अगर मिल जाए तो और अगर भस्म ना मिले ना तो शंकर के जो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है यहां अगर भस्म ना मिले तो इस जलाधारी पर अपना हाथ स्पर्श कर अपने तन पर उसको लगाकर जरूर आओ भस्म एक शंकर पर चढ़ा हुआ जल दूसरे नंबर पर है शंकर पर चढ़ी हुई भस्म ये दो स्पर्श जरूर।